ये वाला कैंसिल किया गया है क्योंकि ये नहीं आया टाइम पे है, और कैंसिल करके इसको ऑर्डर किया गया है, ये वाला। ये कलर देखो तगड़ा कलर है। चलिए नए नए आए हुए हैं, इनको हमारा गांव देखा नहीं है तो ऐसे घूम रहे हैं कि चलिए अंदर आइए। ये भाई आ गए हैं देखिए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि फ्लिपकार्ट वगैरह ऐसे ही, आप एक्सचेंज वाले अलग होते हैं ना एकदम। यहाँ पर दोनों लोग आ चुके हैं एक्सचेंज के लिए एक ही लोकेशन पे। ओप्पो अगर कोई फोन ईएमआई पर तो वो एक्सचेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना, जब तक ईएमआई पूरा EMI हो, चोरी का हो, ये सब कोई भी नहीं है। अभी जो है अभी 50 को फोन है। हाँ एक दिन में बताइए, 40 को फोन था, अभी आपका इधर आ ही नहीं पाए। हाँ कल्याणपुर उधर निपटाया, सिम है अब सिम निकाल लीजिए, निकाल देंगे अब। अच्छा लाए इंजेक्टर? हम ही लोग से मांग रहा है इंजेक्टर दीजिए, इसका वो दीजिए, सब देखिए। ये एक्सचेंज वाले प्रॉपर है, जिनको सब कुछ मालूम है क्या होता है कैसे करना होता है, तो कोई टेंशन नहीं है। और एक्सचेंज करना बहुत ही आसान है, उतना मुश्किल नहीं है ना भाई। यहाँ पर दो दो एक्सचेंज हो रहा है, 128 8 128 है, 8 128 है, नहीं हटाते। अगर मान लीजिए हम उधार हाँ टूट गया, उधर गया, आप बोलेगा उधार है, पैसा कट जाएगा। देखिए भैया साफ साफ कह रहे हैं कि इस पर जो टेम्पर है कवर है इसको रिमूव कीजिए खुद से, क्योंकि ये रिमूव करेंगे तो अगर टूटेगा तो फिर। ये कौन फोन है भैया? वन प्लस एक्सचेंज कर रहे हैं? प्लस नोट C3 है। अच्छा वन प्लस नोट C3 एक्सचेंज कर रहे हैं किससे? अच्छा मोटरोला एज। एक्सचेंज करने के लिए कोई बिल की जरूरत नहीं पड़ती है ना, कि कितना पुराना फोन है उसका बिल अगर गुम हो गया है तो। NOC कहाँ से लेना पड़ेगा? जहाँ से आप लोन करवाएं वही देगा। अच्छा देखिए हम आपको बताते हैं कहाँ। ये देखिए भैया कैसे चेक कर रहे हैं, बहुत से यहाँ पे आ जाएगा लिखा हुआ। अच्छा यहाँ पे रहेगा तो फाइनेंस लॉक हो जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा ही। हाँ देखिए यहाँ पर आप बोलते हो ना दोस्तों, कमेंट करते हो कि डिस्प्ले चेंज है तो होगा कि नहीं, तो साफ साफ भैया बोल रहे हैं कि आप कुछ भी होगा वहाँ पे दिख जाएगा उनको, वो स्क्रीन पे ऐसे 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 करके घुमाएंगे दिख जाएगा डिस्प्ले चेंज है क्या है सब दिख जाएगा। कुछ भी चेंज कराएगा उसमें दिख जाएगा। 12,757 आ गया। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर एक मैसेज आया है, क्या क्या फेल हुआ है, आपका डिस्प्ले इशू है, जो भी इशू है। ये फोन देखिए, ये प्लस वन है, ये हमारा छोटा भाई है जिसका फोन एक्सचेंज हो रहा है, तो कैसे लग रहा है आपको बताइए? बहुत अधोबदी हो रहा है, अधोबदी हो रहा है। तो कोई बात नहीं, बदोबदी हो जाएगा बस नया फोन मिलने के बाद। ओप्पो A31 हम एक्सचेंज कर रहे हैं, जो कि बहुत ही पुराना फोन है, 3-4 साल पुराना। ये यहाँ पर जादू चल रहा है ना, ये भैया पूरा स्क्रीन पर घुमा रहे हैं ऐसे ऐसे, ये जादू नहीं है भैया, ये इससे पता चल जाएगा कि आपके फोन में डिफॉल्ट क्या क्या डिफॉल्ट है। तो एक बार आपने लाइफ में फोन एक्सचेंज करना चाहिए, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि कैसे एक्सचेंज होता है ना। अरे गांव में बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि अब क्या होता है, गांव में फोन हल्का खराब हो तो लोग प्याज बदल देगा ना, हो लहसुन दे देगा, दुगो नारियल ले लेगा ना ना, उससे अच्छा है कि आप क्या बोल रहे थे, उससे अच्छा प्याज बदलने से अच्छा आलू फोन में डालिए, 300-400 रूपए मिल जाएगा आपको। डेड फोन फ्लिपकार्ट में है ऑप्शन है? अरे हमको बता दीजिएगा थोड़ा जाते वक्त में। देखिए अगर फोन आपका पूरा डैमेज हो चुका है तो आप डेड फोन में डाल के फ्लिपकार्ट पे कुछ फोन ले रहे हैं तो वहाँ पर 300-400 रूपए का ऑफ आपको मिल सकता है। ऐसा भी कर सकते हैं आप, नारियल खाने से अच्छा है कि 400 रूपए आप फोन पे ऑफ करा ले, है ना भैया? अरे मर्दे को गलती कही चाहिए, सही बात है, सही बोल रहे। आप तो साहब बदोबदी हो गए, आज पार्टी होगा लाल मोहन पार्टी। रो डिस्प्ले चेंज है इसलिए इसका वैल्यू कट गया है, और देखिए क्या होता है कि और क्या क्या कटा है, क्योंकि हम देखेंगे उसके बाद ही एक्सचेंज एक्सेप्ट करेंगे। एक बार मैं लिंक पे क्लिक करके और पूरा पढ़ूंगा कि क्या क्या इस आप एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा, लेना है कि नहीं लेना है तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक सब कुछ लिखा हुआ, चलिए तब तक इन भैया का देखते हैं। ये देखिए भाई लोग, ये प्लस वन फोन है, इसको एक्सचेंज करके और नया फोन ले रहे हैं। अभी अनबॉक्सिंग होगा तो देख लीजिएगा, ऑन कैमरा आपको दिखाया जाएगा कि कैसे अनबॉक्सिंग होता है। आपका जो है डिस्प्ले से नहीं जा रहा है, मतलब लाइनिंग है ना, मतलब ब्लैक ब्लैक। अच्छा इसका पैसा काट लेगा डिस्प्ले में। बाप रे ठीक था मर्द। अरे चेहरे देखिए यहाँ पर ब्लैक कलर का डॉट है, तो डिस्प्ले क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में? हाँ डिस्प्ले डिस्कलरेशन, मतलब डिस्प्ले का कलर में थोड़ा सा डिस्कलर हो गया है। क्या हुआ? 2000 कट रहा है इसका ना महाराज, मतलब कि डिस्प्ले में थोड़ा सा कलर या डेंट समझो आप, जो कुछ भी दिख रहा है आपको यहाँ पर 2000 का ऑफ बता रहे हैं, मतलब कि इनके जो एक्सचेंज वैल्यू होगा वहाँ से 2000 रूपए कट जाएंगे। नहीं एक्सचेंज करना चाहते तो आप जो फोन ऑर्डर किए वो भी ले सकते हैं। तो लेंगे तो उसके लिए पेमेंट पूरा देना पड़ेगा ना, जो मोबाइल का भैया 2-400 रूपए कट लीजिए ना। तो आप अंशुमन नहीं, अवार्ड अंशुमन हम नहीं
नहीं किया, अच्छा। जो नहीं उठाता उसके ऊपर हम देख सकते हैं। 1900 रुपए काट लीजिएगा। 1900 का किया, आधा हुई, समझ रहे हैं। ओरिजिनल डिस्प्ले का पैसा काट लेता है। हम लोगों ने लगाया था ओरिजिनल एक्सचेंज वैल्यू 3850 रुपए और यहाँ पर 1950 रुपए हमें मिल रहा है क्योंकि हमारा डिस्प्ले डैमेज है। तो यहाँ पर लिख रहा है, अगर आपको एक्सेप्ट करना, देखो यहाँ पर डैमेज लिखा हुआ है, स्क्रीन चेक, एयर बबल, ये इशू है, और भी दो इशू है, स्क्रैच चेक है, तो 10 माइनर स्क्रैच जो भी है यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी स्विच ओके है, बैटरी ओके है, IMEI ओके है, यहाँ पर कोई केस वगैरह नहीं है, स्क्रीन डिस्कलरेशन नहीं है, मतलब ओके है, टच स्क्रीन ओके है, वाईफाई ओके है, ये साइन ओके है ना, मतलब ग्रीन है, ग्रीन मतलब आप समझ सकते हैं। अच्छा, ऊपर का देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग ओके करके कंफर्म कर देते हैं, एक्सेप्ट, एक्सचेंज एक्सेप्टेड, नहीं नहीं अभी नहीं हुआ, अभी ओ भाई एक्सचेंज एक्सेप्ट हो गया, कंफर्म हो गया, आप पैसा का इंतजाम कीजिए, अब मुंह मत बनाइए। अरे बाप रे बाप, 12,757 रुपए देना पड़ेगा। अगर आप आए, हम बोल देना भाई ना, हमको कुछ नहीं देना है ना, हमको नया मोबाइल चाहिए ना, पुराना देना है, कुछ नहीं करना है हमको, बस आप OTP दीजिए, हमको कैंसिल कर देंगे बस, हमारा कुछ। अच्छा, मार दीजिए, समझ, आप कहाँ जाइएगा उसको लेकर, अमाउंट जो बन गया ना, डिस्प्ले लग जाएगा, चार से चार हजार नहीं लगेगा, डिस्प्ले क्या लगेगा, रिजेक्ट कर दीजिए। अब इसको बेचने जाएगा दुकान में, दुकानदार कितना देगा, एक बार जाना चाहिए था, हम अपने भाई को भेज के चेक करा लिए। इसका महंगा आएगा, 4000 डिस्प्ले लगवाइएगा। दो फोन यहाँ पर हमारे पास एक्सचेंज हो चुका है, एक फोन हुआ है A31 के जगह पर, क्या फोन मिल रहा है और हमने क्या पेमेंट किया वो एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूंगा। और यहाँ पर OnePlus एक्सचेंज किए ये भैया, जिनको वो मिलेगा, देखते हैं क्या मिलता है, बहुत ही सरप्राइजिंग बात है। भी होगा ओपन करने के समय हमारा अभी है दूसरे, जिनका पेमेंट हो गया उनका फोन यहाँ पे खुल रहा है, प्लस वन, अरे मोटो जी, आप देखते समझ गए, मोटो जी है, एक्सपीरियंस है, अनबॉक्सिंग कर रहे, देख रहे हैं, हाँ इनको एक्सपीरियंस है, बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है, मोटो जी एड्स ऐसा करके फोन होगा, 128/12, बहुत तगड़ा फोन है भाई, ये तो चल रहा है अभी, यही तो चल रहा है, लीजिए इधर, ओ भाई आप ही रखे ना मर्द, हम तो ऐसे ही देखने के लिए मांग रहे हैं। अरे भाई कितना लाइट वेट है भाई, बहुत हल्का है, और इसके साथ क्या क्या मिला है, ये आपको एडाप्टर और यहाँ पे डेटा केबल या चार्जिंग केबल बोल सकते हो आप लोग, और ये देखिए ये पेपर वगैरह कुछ, कवर नहीं दिया ना, कवर है ना, कहाँ कवर है, अच्छा मोटरोला अपना कवर देता है, हाँ और क्या, ये देखो भाई ये नहीं भी तो कम से कम 150 का कवर हुआ होगा, जो एज है ना साइड से, ये फोन घुमा हुआ डिस्प्ले इसका, ये बहुत ही प्यारा लगता है, ये फोन देखो दोस्तों। अच्छा कितना लगा है उसका, प्लस वन का एक्सचेंज मनी, एक्सचेंज वैल्यू 5500 के आसपास लगा है, प्लस वन का एक्सचेंज वैल्यू, उसमें डेंट होने के बावजूद एक छोटा सा आपने डिसकलरेशन देखा, 2000 रुपए का माइनस लगा डिस्प्ले का, और 5500 रुपए। और ये फोन देख लो आप लोग, एक बार मैं आपको बॉक्स दिखाता हूँ, ये है एज 50 फ्यूजन, देखिए यहाँ भैया सारा काम कर दे रहा है, सिम उम लगा हुआ के, वो फिल्म डाउनलोड कर दीजिए भैया जब तो ये भाई आ गए हमारे भाई, देखिए पूरा मूड में है, नोट पर नोट गिना रहा है, मात्र 1938 रुपए इनको मिला एक्सचेंज वैल्यू। हम आएंगे उसके बाद ही जो भी रेट लगेगा वो सामने तो लगता है, देखिए कह दिए आप उस पे वन प्लस के जगह पे आप आईफोन डाल दीजिए एक्सचेंज में, चाहे कुछ भी डाल दीजिए। कितना हुआ है आपका जो फोन होगा उसका, 12,700। ये आएंगे आपका फोन देखेंगे, जो भी फोन होगा जो भी डिफॉल्ट होगा उसके हिसाब से आपका एक्सचेंज वैल्यू होगा वो डिडक्ट होगा, और आपको पेमेंट करना पड़ेगा, फिर आपको एक्सचेंज वाला जो मोबाइल आपको नया फोन मिलेगा। अब अनबॉक्सिंग भैया कर दिए और पेमेंट हो चुका है, वीवो T3X 5G, मतलब पूरा 14,000 कुछ था, जिसमें 1938 रुपए ओप्पो A31 का लगा है एक्सचेंज वैल्यू, और बाकी ये देख लीजिए नया फोन निकल रहा है हमारे पास वीवो का, ये फोन निकल रहा है, कलर देखिए कौन सा है, T3X, डबवा दीजिए हमको, ओ भैया T3X 5G वीवो, बाकी डिटेल्स वो, ओहो ये तो गोला रेखा के अंदर कैमरा है, और यहाँ पर इसके साथ भी कवर मिल गया भैया को, और भाई एडाप्टर के साथ डेटा केबल, और फोन देखो भाई देख लो, और आप लोग कहते हो टाइम मिलता है कि नहीं, तो आप लोग देख लो मैं वीडियो बना रहा हूँ जब से, पूरा टाइम मिलता है, आप डेटा ट्रांसफर करो, आप बैकअप करो, रीसेट करो, आप कुछ भी करो, आपको पूरा टाइम मिलेगा। और ये फोन दीजिए, फोन दीजिए, ये फोन दीजिए, हाँ, और ऐसे ही ठगाते रहिए ना, ये देख रहे हैं ये कितना, मतलब कि क्रिस्पी टाइप है, ग्रिपी टाइप है, स्मूथ नहीं है भाई। आप दो दो फोन एक्सचेंज कर दिए, आपको कैसा लग रहा है, अभी बहुत काम है इसके बाद, बहुत काम है,
ये भैया जी को अब छुट्टी करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही मेहनत किए हैं ये भाई। फोन का इंश्योरेंस होता है क्या अलग से?